स्वागत है सभी का हमारे चैनल डिजिटल लवर में। और दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ पुराना सिलमपुर में हमारे अजय भाई की छत पे, जो कि उनका लॉफ्ट है और बहुत ही अच्छे इसमें आपको कबूतर दिखाएंगे जो हूमर में एक ब्लड लाइन होती है जिसकी पेडिग्री है। उन पेडिग्री वाले कबूतरों की क्या खासियत है, कैसे दिखते हैं, ठीक है। अभी जो हमारे पिछली वीडियो डाली थी कौशल जी की, जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे कबूतर थे, तो अजय भाई के पास भी बहुत अच्छे अच्छे कबूतर हैं। तो हमारा जो वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि हम अपने हर दर्शक जो हमारे भाई हैं उनको नॉलेज दें और आपके सवाल जो होते हैं उसका भी जवाब ढूंढने के लिए मैं भी कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो अजय भाई से और उसका वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले एक ये छोटा सा ब्यूटी जो है शॉट देख लीजिए कि कबूतर की नज़र से जो छत होती है ना वो किस तरीके से दिखती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देर। ये शॉट कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा लगा होगा। बाकी मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ अजय भाई से। अजय भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और ये हमारे क्लब के एक ऐसे फेमस बंदे हैं ना जो हर किसी का दिल जीत लेते हैं अपनी बातों से, अपने प्यार मोहब्बत से बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, क्योंकि ग्रुप में सबसे ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं और ग्रुप का हर मेम्बर इनसे बहुत प्यार करता है। तो अजय भाई बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। आज हमारे पास सिलमपुर भाई आए हैं शो करने, तो जैसा भी छोटा मोटा शो है अभी तक किसी को नहीं दिखाया था मैंने, लेकिन आज ये भाई ने बता दिया है। ये सच है कि अभी तक अजय भाई, क्योंकि कहते हैं कि भाई मुझे इन चीज़ों से मतलब नहीं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मेरे काफ़ी रिक्वेस्ट में अजय भाई ने मेरी कम से कम बात मानी कि मैंने कहा भाई कम से कम आप आओ, लोगों को पता तो चले कि भाई कबूतर किसे कहते हैं। क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ों पर अगर मान लो आप अच्छी चीज़ नहीं दिखाओगे तो जाहिर सी बात है जो बेकार चीज़ है उसकी फिर। हाँ, मैं इसीलिए आया हूँ कि लोग बाग जो है ना देखें, जो नए फैंसियर हैं ना उन्हें बहुत ज़्यादा वो करते हैं, नए फैंसियर जो जुड़े हुए हैं आपके थ्रू ना या हम लोगों के थ्रू भी जुड़े हुए हैं, तो हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए कि एक अच्छा बर्ड किस तरह का होता है और उन्हें क्या समझ के लेना चाहिए। और कोई भी अगर आप शौक़ को करना चाहता तो उसका शौक़ ख़राब ना हो। हाँ, क्योंकि अगर हम पहली बार में ही ना उसे बर्ड उल्टे सीधे दे देंगे कि हमारे यहाँ से कूड़ा चला गया, तो वो फिर ना इस लाइन में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो यही चीज़ें होती है। क्योंकि बहुत सारी बातें थी कि भाई जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें कर्नाटक से मैंने कबूतर मंगवाए, अभी हुआ था मैं बता रहा हूँ, मेरे एक व्यूअर है उसने कर्नाटक से कबूतर मंगवाए थे, उसको जो पेडिग्री दिखाई अच्छे कबूतरों की और उसको भेज दे बोले। नहीं, ये देखो अभी नहीं है, पहले से होता आ रहा है और अब तो ऊपर वाले की कृपा से दिल्ली में बहुत लोगों में शौक है। ये हमारे साथ भी ऐसा होता है, आपको कबूतर तो मिल गया है, हमने पैसे लगा दिए हैं, उसके बाद में गायब, हम कुछ नहीं कर पाए। उसमें वो कबूतर जो दिखाए ना उसने दिखाए थे, रेड बार थे, काफ़ी अच्छे कबूतर दिखाए, पेडिग्री दिखाई भी उसने भेजी, लेकिन जो कबूतर भेजे ना उसमें एक मैदुम भेज दिया बोला और एक क्या कहते हैं हैदराबादी माली। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि कबूतरों को दिखाते कुछ और है और मिलते भी नहीं, मिलते भी नहीं है, मिलने लगे कि चलो कुछ तो आया, कुछ तो आया, लेकिन ये हकीकत है दोस्तों कि अगर आपको मान लो नॉलेज नहीं है तो भाई आप किसी जो क्लब से बंदा खेल रहे ना उससे चीज लो, क्योंकि कर्नाटक या चेन्नई किस कहीं से भी अगर आप मंगाते हो बाहर से तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप पैसा भेज दिया, अब उसके बाद वो उसकी मर्जी है वो भेजे या ना भेजे, ना भेजे आप कुछ नहीं कर सकते। पिछले अच्छा भाई आप शौक कराइए अपने जाल का और कबूतर देखिए आपके सामने ही है और
मैं आपने देखा भी होगा आदमी जो है ना अपने अच्छे अच्छे निकाल के निकालता है। आपको जो मेरे जाल में बेकार निकले ना, ना आपके जाल में कोई बेकार है नहीं, तो आइए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको जो बेकार लगे वो पकड़ लीजिए। बेकार तो देखो अरे भाई आपके है ही नहीं, इसमें एक है हमारे भाई की भाई पैसा खर्च करने में पता कर दिया है, वरना किसी टाइम में मैंने पिछले से यानी कि हो गया 8-9 महीने हो गए, ये 357 रुपये का टोटल मेरे पास। अच्छा हाँ, दिल्ली में एक हमारे नितेश भाई हैं जो लगभग उनके पास 800-900 उम्र है दिल्ली में। अच्छा, और वो भी ज़्यादा नहीं करते इन बातों को ना, जो वाले आदमी हैं, तो अब थोड़ा शो कम करने के बाद भी ये 150 के आस समथिंग होंगे, 10-5 ऊपर या नीचे, गिनता मैं कभी भूली और ना ही कभी मैं उतरो कैच कर पाऊँ। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर दोस्तों कबूतर जो है 350 तक 380 क्या, क्योंकि बच्चे अच्छे निकलते रहते, तो 380 उम्र होना भी, अब आप सोच लो कि मरे से हमारा भी 5000 रुपये का उम्र कितने रुपये का हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर जैसे अच्छा अच्छा भाई जैसे इसके अंदर जो ये कबूतर हैं यहाँ पर ये कौन से हैं सर? ये मेल हैं, इसमें सारे मेल हैं। तो अच्छा भाई आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा अंदर जाएँ और कुछ देखो हर लॉक के अंदर किसी न किसी का नाम होती है नया, तो आप तो मैं कह रहा हूँ आपसे जो आपको बेकार नहीं जो आपको ठीक लगे वो आप दिखाओ। तो मेरे देखो मेरे बच्चे हैं, हाँ ये मेरे बच्चे हैं सारे, हाँ। और ये मुझे सब सुरिंदाबाद है मेरी निगाह में, आप किसी को अच्छा लगे ना लगे वो रेड वाला। तो दोस्तों ये अजय भाई लेकर आए हैं, डिंपल भाई इसे हम म्यूल मैन बोल देते हैं। अच्छा ये म्यूल मैन इस मतलब नस्ल का नाम है? नहीं, इस कलर को जो है ना ये म्यूल मैन कलर है, ये इस कलर का मतलब हाँ, इसमें डार्क भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, वन नाम के लिए ज़्यादा छीटे रहेंगी और बहुत ज़्यादा लाइट भी होंगे, सफ़ेद होंगे लेकिन लाल छीटे होंगे। अब जैसे अगर ये गोला होता तो क्या कहते हैं इसको? इसको हम क्या नाम है सुरका बोल देते हैं, सुरका बोल देते हैं। हाँ सुरका बोल देते हैं, बना हुआ यानी कि बना हुआ सुरका बोलते हैं। उम्र के अंदर कोई सुरका टाइप का है तो वो म्यूलमैन, हाँ वो म्यूलमैन नाम उसका म्यूलमैन कहलाएगा। तो उसमें बताइए इसके बारे में कुछ। तो ये म्यूलमैन तो बहुत से लोगों पे है और क्या नाम है ये जो ना इनके लिए बोला जाता है कि ये ना परफॉर्म नहीं कर पाते जैसे। अच्छा अच्छा, लेकिन ये जो म्यूलमैन है ये ललित भाई के जो ललित राय हैं दिल्ली में, उसको किसी ना नाम की मोहताज नहीं है। तो इसकी जो माँ है वो भी चैम्पियन है और जिसका फादर है फादर साइड से भी चैम्पियन, दोनों ही माँ बाप चैम्पियन है, रेस खेले हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो उनका ये बच्चा है और ये ऑलमोस्ट 1.5 साल का हो चुका है। और आप ये देखिए, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखिए दोस्तों वाइब्रेशन देख रहे हैं आप, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है। ये हो गया इधर से, आप ये थोड़े से ना उस पर चल रहे हैं ना झाड़पाक में, हाँ उनका हाँ, सीजन चल ही रहा है झाड़पाक पे चल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से वाइब्रेशन हो रही है पूरी, ठीक है। और ये इसकी आँखों का शॉट देखिए, आँख देखिए इसकी बहुत बढ़िया, उसके आँखों का रिंग देखो दोस्तों जो रेड के साथ जो वाइट कलर का रिंग आ रहा है ना, ऐसे ही उसमें जनार्दन वगैरह में भी होते हैं। हाँ वो जनार्दन अभी मेरे पास थे, वो भाई हैं हमारे नितेश भाई, आप वहाँ पे शो कराएंगे आपको उनका जो वो थोड़े जनार्दन कर रहे हैं। और इनका जो टेल बैलेंसिंग वगैरह का क्या होता है? बैलेंस देखिए कबूतर का जो है ना बिल्कुल जैसे ये अब मैंने लिया ये, ठीक है, और ये करके मैंने इसे खोल दिया, तो ये आप देखोगे बिल्कुल हड्डी कांप रहा ना, ये चीज़ देखो आप, एक अच्छे कबूतर की पहचान होती है ये। अच्छा, यहाँ मेरे अंगूठे है और इसमें ये देख लिया आपने, और आप देख रहे हो बिल्कुल ये हाथ में जो ना कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है, जबकि मैं हाथ जो ना कबूतरों को लगाता नहीं हूँ, अपने कबूतरों को ना ये लगाता नहीं हूँ मैं। और ये देखिए अब भी देखिए हाथ में जो ना कांप रहा है मेरे। अच्छा ये तो देखो कहते हैं कि शौक की तो कोई कीमत नहीं है, ये कितना बम्पिंग मारना कैसा लग रहा है, जैसे आप फॉर्म दबा रहे हो जैसे वो कौशल भाई ने बताया था ना यहाँ पर जो बम्पिंग है। ये यहाँ पर जो है ना ये अच्छे कौशल भाई भी जो है समझदार और अच्छे खिलाड़ी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो ये जैसे हम नीचे करेंगे ना, तो एक तो ये चीज़ देखो इसकी, ये ऐसे बम्पिंग कितना मार रही है, ठीक है। उसके बाद में ये आते ही ये यहाँ पे से ख़त्म हुई हड्डी और यहीं पे इसका वो जोड़ चालू हो गया है। अब जोड़ के बीच में बस ये इतनी सी उंगली हल्की सी बस ऐसे उंगली आ रही है जो गैप है, एक गैप जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा होगा। बाकी ये जो बर्ड है ना, ये बर्ड हमारे पंजाब में है, ये अंकित भाई का बर्ड उन्होंने ले लिया है, मैंने पसंद आ गया था तो मैंने। तो अच्छा जैसे शौक की खैर कीमत नहीं होगी, हाँ, लेकिन अगर जैसे मान लो कोई परचेज करता है इस टाइप का या यही चीज़, तो कितने तक का होगा ये? जो रेसिंग देखो एक आम जो कबूतराजी होती है ना, उसमें ग्रेड फिक्स होता है कि भाई कि क्या नाम है कटरंगे जैसे हम बोल देते हैं, हाँ, कि भाई 600 से 1200 तक का बढ़िया मिल जाए, बढ़िया मिल जाए पटियालों वगैरह में। हाँ लेकिन इनमें क्या होता है अगर ये अननोन कबूतर है तो 2-3 हज़ार रुपये ही मिल जाएगा, हाँ। लेकिन अगर जैसे
माँ बाप साइड से चैंपियन है या पेटागिरी है या अच्छा रेस खेला हुआ बल्ट जो है मिल में आपके पास है तो फिर उससे आपसे उसके रेट बढ़ते चले जाते हैं। और रेट हमेशा जो है ना ये नहीं होता है कि एक ही वजह पर फिक्स है, एक कुछ खरीदने वाले की नीड पे भी रेट फिक्स होते हैं और एक देखने वाले की नीड पे भी। ठीक है, आप ऐसे नहीं बता सकते हैं कि ये कितने का होगा। फिर भी ऐसे होता है कि 10,000-20,000। अब इसके भाई जो हैं, इसके भाई मैं नाम भूल रहा हूँ, हरियाणा में एक अच्छे फैंसियर हैं, कबूतरबाज भी हैं लेकिन अच्छे शौकीन आदमी हैं, तोते वगैरह रखते हैं। उन्होंने 45,000 रुपए के दो बच्चे परचेज करके ले लाए थे। 45,000 रुपए के। तो दोस्तों ये पता क्या है, ये यहाँ तक अभी समझने के लिए है कि अगर आप सोचो कि एक कबूतर आप 40,000-50,000 रुपए का ले रहे हो ना, तो उसके अंदर जब तक आपको खासियत समझ नहीं आएगी ना उम्र के अंदर, तब तक आप परचेज भी नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा इतने महंगे कैसे ले लिए। लेकिन यकीन मानो दोस्तों लाख लाख रुपए तक के कबूतर बंदे ले लेते हैं। हाँ हैं, दिखाएंगे आपको अगर मन कर रहा तो दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये राय साहब की ये रही है, ये राय साहब का अच्छा बच्चा है, ये राय जो है ये किसी भी उसके ना। हाँ वो मैं जानता हूँ, ललित भाई को जानता हूँ अपने। तो ये उनका ललित राय जी का नाम है, ये नाम अगर रिंग पड़ी हुई है ना तो सोच लो कबूतर। हाँ फिर वो ओके ही होगा, उसमें कुछ कमी नहीं है। तो बाग रिंगों के लिए तरसते हैं कि खाली रिंग ही मिल जाए, रिंग ही मिल जाए के नाम की ना रिंग ही मिल जाए। और अब फ्रॉड भी होने लगा है, कुछ सुनने में आया था कि एक दो कबूतर खराब, जो हमें भी लगता है कि हाँ भाई अब देखो मेरे यहाँ का जो मैंने जानवर रखा हुआ है मुझे पता रहता है ये जानवर ऐसा है, लेकिन वो देखने से नहीं लग रहा था कि ये ललित राय का हो सकता है। तो लोग बाग जो ना रिंगे लेके फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ तो इसलिए यहाँ पर क्या कि जैसे जो हमारे जो भाई बता रहे हैं कि रिंग की कॉपी करके और रिंग डाल के भी बेचे जा रहे हैं, तो भाई ये भी फ्रॉड हो रहा है। हाँ, वो बोलों में डाल देते हैं, बोलों में डाल के या पटियालों में डाल के बेच रहे हैं। तो भाई इस चीज़ पर का भी ध्यान रखना। मैं आपको अगर टाइम मिला तो हमारे जो क्लब के बहुत अच्छे नॉलेजेबल बंदे हैं, एक हमारे कौशल भाई हैं, उनसे मैं मिलवा चुका हूँ आपको। उसके बाद जो मेरी नज़र में मुझे बहुत अच्छे लगे ललित भाई और सूरज भाई, हाँ ये उनका जवाब नहीं है, मैं कह रहा हूँ उनसे इतनी जितनी नॉलेज ले सकते हो ना दोस्तों, आप जो सवाल मुझसे बस सवाल जरूर पूछना। हाँ। मैं जवाब वहाँ पर लूँगा उनसे। बिल्कुल, सूरज भाई से मैं मिला हूँ, बहुत बढ़िया बंदे हैं, ललित भाई से मिला हूँ बहुत बढ़िया बंदे हैं, इनसे जरूर मिलवाऊंगा। क्योंकि ये जो दो बंदे ऐसे ना, इनको किसी भी नाम की जरूरत नहीं, इनकी नाम की अगर रिंग पड़ी हुई है ना कबूतर फिर आँख बंद करके ले लो आप। और एक बात और बता दूँ, सूरज भाई के जो भी रिंग होता है ना वो मन्नू लोक के नाम से होगा। मन्नू? हाँ, मन्नू उनकी बिटिया का नाम है, हमारे अच्छा, बिटिया अच्छा, है। हाँ, वो उसके नाम से लोक का है, तो मन्नू लोक के नाम से रिंग मिलेगी। और किसी को नहीं पता, यादव जी जो है, हाँ वो यादव जी, यादव यादव जी जो पहले डालते थे, यादव की बिटिया नहीं हुई थी, ये काफ़ी पुराने साल से कर रहे हैं शौक जो है ना, एंटीक भी पाले हुए उन्होंने, तो पहले वो यादव जी उनकी कास्ट है, तो यादव जी लगाते थे पहले, क्योंकि मेरे पास जब बिटिया हुई थी उनकी मन्नू लगा, फिर वो मन्नू लोक करके ये होता है। और सूरज भाई ललित भाई हमारे अजय भाई जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत प्यार दिखाई जैसा प्यार है हमारा। तो भाई आप कुछ और दिखाइए, और इसके अंदर जैसे मुझे ना एक ही दिखे जरा, ये देख ये जो भाई ये रेड जो है ना, ये क्या चीज़ है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये कलकत्ता लाइनर रोल का है। अच्छा अच्छा। और इसके बाद वो मैगनेटिक लालू दर, ये उसकी उसका बच्चा है, आप उसको अगर पकड़ के शॉप कराओ, क्योंकि ना एक होता है कि शाइनिंग ये पाक हो गया ना। हाँ, ये पाक हो गया इसलिए ऐसा चमक रहा है। नहीं उधर एक, एक होता है रेड, जैसे मान लो एक ही रेड है, रेड इसमें बहुत तरह के रेड, एक ही रेड है, एक ही रेड है वो, लेकिन वो अलग ही, उसको आप शॉप कराओ उसको पकड़ के। दोस्तों वीडियो जो है ना इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन में देखो हम भी मेहनत करते हैं, आपके लिए हम जा रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, और एक से एक कबूतर का शौक करा रहे हैं। उमर के बारे में जो क्यूरियोसिटी बनी हुई है ना लोगों को, वो मैं चाहता हूँ कि आप देखो और महसूस करो कि भाई कबूतर आखिर है क्या, क्योंकि अगर आप कहीं और से लोगे ना तो आपको लॉस होगा। फिर आप कई सारे मेरे से मेरे को वीडियो भेजते हैं, भाई हमने कबूतर मंगवाया था क्या था, मैं कहा भाई जब आपको लेना था तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं। हाँ ये जरूरी है कि जो इस लाइन में लगा हुआ है पहले उससे कॉन्टैक्ट करें, नहीं खरीदो मत, लेकिन उससे जो ना नॉलेज दो, आओ जाओ, ये क्या नाम है इसको हम बोलते थे कलकत्ता लाइन, ये हाथ में जल्दी से अपने आप को रखने देते। अच्छा अच्छा, ये जंगली लाइन पीछे से थोड़ी बहुत मिक्स होती है, तो ये इस कलर को क्या कहा जाएगा। हाँ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बुरा मानना है, देखो ना इसके ये अपना खून देखो, ये बच्चा ये देखिए क्या बात है। दोस्तों आप ये देखो नाखून का इसका साइज देखो ना, एक पहचान अच्छे कबूतर की ये भी है, मैं आपको बता दूं जितना नाखून उसका ना इस तरह का होगा कि खाल उतरी हुई है, मतलब खुरदरी सी खुरदरी बिल्कुल खुश्क होगी। हाँ, हाँ। तो वो उतना ही अच्छा लाइन का होता है। हाँ, ये अपने हाथ को ना अपने आप को रोकने दिए। अच्छा इसको इस कलर को क्या कहेंगे भाई, ये हम रेड ही बोलते इसको ना, ये देखो ये कितना बुरा, ये बहुत ये बुरा मानना है, ये
नहीं मानेगा ना हाथ में बाकी आप इसका ना आंखों को शॉक करो क्योंकि जो कलकत्ता लाइन के होते हैं ना जिसमें येलोपन ज्यादा होता है ये देखिए आप ये मैंने बहुत ज्यादा पकड़ रखा फिर भी ये ना ये एग्रेसिव है बहुत और पर छोड़ रहा है नीचे से देखिए आप इसकी धड़कने देखो ना हाँ दिख रहा है चल रही है इसकी धड़कने ये रुक भी नहीं रहा है तो दोस्तों ये देखो कितना घर चलो इसको छोड़ दो स्ट्रेस में आ जाएगा नहीं तो हाँ ये तो यहाँ पर और भी जैसे कुछ इसके अंदर जैसे ये वाला भाई पकड़े था ना ये जो रेड वाला ये रेड दिखाते हैं हाँ ये दिखाइए इसकी आंखों को शॉक कराइए वो पे चला गया यार यहाँ आइए अंदर ही चलते हैं अंदर ही हम बना लेंगे फटाफट क्योंकि ये जैसे लोग बोलते हैं ना लॉन्ग डिस्टेंस अच्छा ये एक्सट्रीम लॉन्ग डिस्टेंस का कबूतर है इसमें भी मतलब एक्सट्रीम भी होते हैं हाँ एक्सट्रीम होते हैं ये इसकी आंखों को शॉक कराया बहुत बढ़िया है ये ध्यान देंगे और ये समथिंग मेरे ख्याल से 4 साल का बच्चा है हाँ। सूरज भाई के यहीं का निकला हुआ अच्छा सूरज जी का ही है हाँ ये रिंग पड़ी होगी इसमें यादव जी ये यादव जी वैसे हो रहे ना ये घर का बच्चा है 4 साल का अच्छा अच्छा ये नहीं तो दोस्तों मेरे पास भी सूरज भाई का एक कबूतर है हाँ, अगर आपके पास है तो आप यादव जी है बहुत फेमस कबूतर है अच्छे शौकीन बहुत अच्छा कबूतर ये 4 साल पुराना बच्चा है देखिए ये एक्सट्रीम लॉन्ग डिस्टेंस में आया था वो तो ओके और आपको एक शोकर कराता हूँ अगर बाद में आ गया तो ये आप ये चेकर ये बोल देते हैं हम लोग ये ब्लू चेकर कहेंगे हाँ ये ब्लू चेकर है और ये देखिए आप ये देखिए दोस्तों आंखों का ये मतलब ये वाइट सी लग रही है मुझे हाँ हाँ ये ऐसी है वाइट ही है ना हाँ ये एक लाइन है सोमो कनेक्टेड है कौन सी लाइन सोमो लाइन हाँ और ये देखिए तो ये इसको क्या है मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में ये मिडिल टू लॉन्ग है मिडिल टू लॉन्ग हाँ तो मिडिल टू लॉन्ग कितने किलोमीटर तक का मतलब कवर करते हैं मिडिल टू लॉन्ग 500 से 800 किलोमीटर आराम से चले जाते हैं आराम से रिटर्न आ सकते हैं हाँ इसका बैलेंस देखिए दोस्तों ये टेल का जो बैलेंस बहुत बढ़िया यानी आगे से चौड़ा और बिल्कुल ये सिंगल टेल बोलेंगे ये देखिए आगे से कितना चौड़ा है और इसे चेकर बोल देते हैं हम लोग ये देखिए इस तरह से बहुत बढ़िया चेकर है तो ये देखिए ये ब्लू चेकर कहेंगे इसको दोस्तों हाँ ठीक है तो इसमें जो काफ़ी ये भी अच्छा है और ये ग्रीजल दिखाना भाई ये ग्रीजल दिखाना दोस्तों इसमें का कबूतर है मेरे पास लेकिन छोटा है इससे काफ़ी ये सब तो दोस्तों अच्छा अजय भाई ग्रीजल में कितने कलर होते हैं ग्रीजल में भी काफ़ी कलर आते हैं जैसे कि अब मेरे पास ही 7-8 कलर है ग्रीजल में अच्छा हाँ 7-8 कलर आपको मैं दिखा दूंगा तो दोस्तों अगर आपको ग्रीजल के सारे कलर देखने हैं तो आप कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो आपको ग्रीजल के ऊपर ही बना दूंगा मैं तो इसके बारे में बताइए कुछ अजय भाई ये भी हमारे राय साहब के यहाँ से आया हुआ है अच्छा ललित भाई का हाँ और ये भी अच्छी लाइन का कबूतर है इसकी पेडिग्री मेरे पास है और माँ बाप की पेडिग्री जो है वो ललित भाई के पास है अच्छी अच्छा अच्छा हाँ तो ये भी झाड़पात पे चल रही ना तो कबूतर वो तो ये भी लॉन्ग डिस्टेंस ही है हाँ ये मिडिल टू लॉन्ग आएगा मिडिल टू लॉन्ग ये जो खरों का शेप है ना मैं अधिकतर जो है ना मिडिल टू लॉन्ग क्योंकि देखो आदमी आने वाले टाइम के लिए सोचता और ये भी ग्रीजल है भाई हाँ ये भी ग्रीजल दिखाइए आप कम से कम दो ग्रीजल दिखाई दें अपने लॉफ्ट के अंदर जो है आपके पास तो ये इसको दोस्तों इस जो कलर होता है ना हाँ, ग्रीजल में देखो वाइट ग्रीजल भी होते हैं हाँ वाइट भी होते हैं इसमें है मेरे पास हाँ और ये जो है ना ये टाइगर ग्रीजल में आएगा ठीक है ये प्रो ग्रीजल बोल जाएगा टाइगर प्रो ना वो ब्लैक जो जैसे हम भूरे होते हैं पटियालों में भूरे होते हैं पटियालों में हम बोल देते हैं कलपोटी है हाँ काले जोगी है अच्छा वो टाइगर में आएंगे वो टाइगर और इसको क्या कहेंगे प्रो ग्रीजल है अच्छा अच्छा ये दोस्तों ये प्रो ग्रीजल है मुझे अभी तो लगता था टाइगर है लेकिन ये प्रो है उसकी आंखों का दिखाइए जरा थोड़ा आंखें काफी हाँ ये आंखों शो कीजिए और बहुत बड़ी में एक लोटा जो पता है सूरज भाई लेके आए थे ये नेट पे भी पड़ा हुआ है अच्छा ये सूरज भाई कहाँ से आया हुआ है हाँ ये सूरज भाई ने इम्पोर्ट करवाया था जोड़ा अच्छा अच्छा हाँ और ये नेट पे पड़ा हुआ है देखना बड़ा खूबसूरत है ठीक है जी और ये इसको ये वाइट ग्रीजल है ये ग्रीजल है वाइट ग्रीजल दिखाइए ये भी अगर आप राय साहब के यहाँ पे जाओगे और राय साहब के अगर उस पर देखोगे ना चैनल यूट्यूब चैनल पे तो उस चैनल पे इस बच्चे की ना वीडियो है बचपन की तो ये पूरे इसके 10-10 पर काले थे अच्छा और एक दुम जो उसकी काली थी अच्छा हाँ बाद में झाड़ पाक में से ये झाड़ पाक तो करने के बाद में दोस्तों तीन ग्रीजल तो आपको मैंने अभी दिखा दिया वाइट ग्रीजल प्रो ग्रीजल क्रो और प्रो और इसको क्या कहेंगे भाई इस वाले को
ये क्रो है वो प्रो है। अच्छा, प्रोग्रिजल प्रोग्रिजल और ये वैसा वाइट ग्रिजल। अच्छा, इसकी भी आंख देखिए आप, तो इस तरीके के होते हैं। अब जैसे अगर कोई गोला हो पटियाला हो तो उसको सफेद ही बोल देगा। हाँ, फुलसरा बोल देंगे, फुलसरा बोल देंगे, फुलसरा बोल देंगे। बहुत अच्छा कबूतर है ये भी। तो अच्छा ये बताओ उजवल भाई, आप ये देखिए ये रिंग जो है राय साहब, ये देखिए ललित राय भाई की, हमारे 09। ये बस ये राय वाली जो है ना, ये वाली नाम की रिंग वाले कबूतर भी मुझे चाहिए। नाम ही काफी है, नाम ही काफी है ना, क्योंकि मेरे पास जो है अमित भाई के जो है ना फरीदाबाद वाले, उनके उनके जोड़े हैं मेरे पास, सूरज भाई के हैं, प्रवीण जी के हैं, यासीन के दिखाता हूँ। ये बच्चा आया था और ये अभी बच्चा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, नौवीं कली। हाँ, ये नौवीं कली का है ये बच्चा। ठीक है, ठीक है जी। और ये देखिए इसके थोड़े से ना बाजू में बचपन में लग गए थे, मेरे हाथ से गिर गया था, छोटा बच्चा था, मेरे यहीं का निकला हुआ है, ये काट खा हुए थे, इस चक्कर में थोड़ा सा ये रह गया। और बाकी आप देखिए इसका उतर, मगर ये इससे चोटी निकली हुई है। हाँ, ये चोटीदार है, ये हुमर में चोटीदार होते हैं। होते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा अभी पेडिग्री में और वैसे भी नेट पे। अच्छा जी। हाँ, तो दोस्तों ये यूट्यूब पे खैर मैं नहीं कह सकता, मेरे चैनल पे पहली बार मैं आपको चोटीदार हुमर दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा शौक कराना चोटी का जरा। दोस्तों चोटीदार हुमर देख लीजिए, बहुत बढ़िया, ये चीज़ तो खतरनाक है थोड़ा सा भाई। आपकी छाई में एक फोटो लूँ पहले इसकी, दिखाना था थोड़ा ऊपर करना हाथ, हाथ पानी पसीन आ रहे हैं ना, कोई नहीं हाथ ऊपर करो थोड़ा सा, ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऊपर अपने कहा बाबू। तो दोस्तों ये हुमर है चोटीदार। हाँ जी, क्या बात है, और जिसको लगे बहुत बढ़िया है तो आगे इसके कागज देख सकता है मेरे से। बहुत बढ़िया। और बाकी दोस्तों देखो यहाँ पर कबूतर देखो, मैं कह रहा हूँ कि जिस पे हाथ रखू ना सर वही कुछ अलग ही है। भी आप कहते हो मिल की बात, तो मिल की बात, मिल की बात खैर मुझे पसंद है। और जैसा आप बोलोगे ना, जितने मिल की बात या वाइट, जो भी आप बोलोगे, वो सिंगल पीस नहीं है कि मेरे पास सिंगल पीस है। और एक कबूतर मेरे यहाँ से बेस्ट है, दिखाना चाहूँगा मेरे पास भी है, क्योंकि दो है मेरे पास, ये देखिए बहुत बढ़िया। तो ये भी लॉन्ग टू मिडिल, मिडिल टू लॉन्ग, मिडिल है। तो ये दोस्तों परों का तो देखो अभी मुझे भी इतना समझ नहीं आया, क्योंकि क्या है ना परों की जो बारीकी है ना, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो टाइम चाहिए, नहीं आदमी एकदम से नहीं सीखेगा। हाँ, तो करना पड़ता है। और भाई मिलेगा मिलेगा मिलेगा, शॉप कराओ पहले, फिर शैतान का उतर है वो नीचे पड़ता ही नहीं है, और शैतान का उतर है। और ये आज हमारे शैतान है बहुत ज्यादा दोस्तों, ये देखो इन्हें अगर हम छोड़ देंगे ना, और भी है मिली मेरे पास, कल भी मैंने 3 मिली सेल करे हैं। ये हमारे तो विशाल भाई का बहुत फेवरेट कबूतर है, और मेरा भी, और मेरे बेटे का भी जो यहाँ बाहर से झाँक रहा है, ये मिली है। ठीक है, और ये देखिए पता है इसकी खूबसूरती अलग ही है। हाँ, ये देखिए ना, इसका अगर आप देखेंगे आप इसे धूप में बहुत शाइन मार रहा है, तो बहुत ज्यादा ही दोस्तों कैमरे में नहीं दिख रहा, लेकिन इतना शाइन मार रहा है ना, बहुत ही ज्यादा। ये नाराज हो जाते हैं हाथों में लेकर के ना, जो ये इम्पोर्ट लाइन के डायरेक्ट इम्पोर्ट के बच्चे हैं वो तो शांत रहते हैं, बाकी हमने जो ना बना रखे हैं, बड़ा वो करते हैं हाथ में लेने से ना, जो भी आप सब सारे ही ओके। चलिए भाई, अब आप मुझे थोड़ा सा मार्जिन का शौक कराइए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो 3-4 घंटे की वीडियो आराम से बन जाएगी। नहीं कहना, मैं मार भी देता है चेहरे पे। हाँ, ये चेहरों के निशान हमारे पड़ रहे हैं, और भी जो साफ सफाई करने वाले आते हैं ना। हाँ, तो ये चेहरों पे निशान मार देते हैं। हाँ, चलिए तो शरीर है। अच्छा अच्छा। हाँ, है कि गर्मी की वजह से ना फोन थोड़ा हीटअप हो रहा था, तो हमने रेस्ट दिया, तो अब मैं अजय भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि अजय भाई आप थोड़ा सा जो है मार्जिनों को शॉक कराएं। दिखाइए भाई आप अपने, जो भी आप कहोगे, मोती अनमोल मोती जो है ये सारी फीमेल है, ये ब्लू बार फीमेल। और अगर आप दोस्तों शाइनिंग पे देखो ना इनके, जो ये आप इसका फेस देखिए पहले, बहुत बढ़िया फिनिशिंग देखो, मतलब शाइनिंग कितनी है, यानी अजय भाई मतलब आप पकड़ते ही नहीं हो बिल्कुल भी नहीं, ये देखो ना हाथ पे ये कलर आ रहा है ना, पकड़ पाउडर आ रहा है, पाउडर आएगा ये, तो ये फीमेल है और मुझे पसंद है जो मैंने। अच्छा अच्छा, यानी सबसे पहले अपनी फेवरेट कबूतर, अपनी पसंद की कबूतर निकाली है। तो अजय भाई ये बताइए ये क्या लॉन्ग डिस्टेंस क्या है, शॉर्ट 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 में। हाँ,
ओके ठीक है। और इस कबूतरी का ये बैलेंस वगैरह दिखाया था, मैं पकड़ता नहीं हूँ जल्दी से कबूतरी को ना। अब ये देखिए ये भाग रही है, निकल निकल के ना, ये देखिए बहुत एग्रेसिव, मतलब वही है कि जब कबूतर पकड़ेगा नहीं रखता ना इनको ये। और बैलेंस जो है ना कबूतर थोड़ी देर रेस्ट के बाद में, रेस्ट के बाद ही पता है, वो तो सबको पता है सारी चीज़ का है। कितना यहाँ से ना बंपिंग है कर रही है, देखो कितनी तेज वो कर रही है, ये देखो यहाँ से खत्म हुई इसकी हड्डी और यहाँ पे इसके जोड़ चालू, ये रहा ये कितना गैप है बस। तो दोस्तों ये चीज़ भी ध्यान से आप देखो, क्योंकि हर फैंसियर अपनी कोई ना कोई आपको चीज़ें जरूर बताएगा। देखो नॉलेज सबको होती है, लेकिन कब कौन सी बात आपको बताए वो पंजे वगैरह देखिए, पंजे देखिए बिल्कुल खुश के जो है ये मेरी फेवरेट पसंद है फीमेल, उसका चेहरा देखिए आप और उसके आगे देखिए आप, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा लाइटिंग की दिक्कत आ रही है वरना नहीं, नहीं लाइटिंग का तो टेंशन नहीं है, लाइटिंग तो बहुत अच्छी है, आँखों का जो रिंग वगैरह है ना बहुत बढ़िया। और इसमें तो भाई मैंने कभी देखी है चांदनी सी जो है ये बैठी हुई, इसका बताइए क्या चाहिए, क्या नाम है? मैं पहले जो ना फैंसी जोड़े रखता था अपने पास से, फैंसी जोड़े हाँ। अच्छा तो मैं शोर में आपको ना हाँ इनके फोटो दे दूँगा। तो ये एक हुमर मेरे पे जब शुरू में आया था ना तो हुमर मेल था, उस मेल से मैंने ये ब्यूटी हुमर फीमेल अपनी लगाई। अच्छा ये ब्यूटी हुमर है, ये ब्यूटी हुमर भी नहीं है और ये हुमर भी नहीं है। अच्छा ये क्रॉस ब्रीड है और मेरे यहाँ उड़ती भी है, मेरी अच्छी है और मैंने 50-60 किलोमीटर छोड़ी हुई है ये। तो ये देखिए खूबसूरती इसकी बहुत बढ़िया, ये देखिए दोस्तों वही मैं जाल में घुसा ना अलग ही नजर आ रही है। हाँ ये अलग खुलता है और इसके अलावा ये कलकत्ता लाइन की रोटरी है जो एक फेमस लाइन हो जाती है ना, एक जगह का नाम है कलकत्ता हमारे इंडिया में। तो आप इस पर ये देखिए। अच्छा अरे भाई कलकत्ता लाइन में भी बहुत सारे कलर होते हैं। ये कलकत्ता जो एक जगह का नाम है अपने ना, हाँ वो तो जगह है। हाँ तो वहाँ पे क्या है, बांग्लादेश से पहले जो बाहर से कबूतर आते हैं वो आते हैं बांग्लादेश। अच्छा अब बांग्लादेश से जो कबूतर आता है वो रुकता है कलकत्ता में। अच्छा तो कलकत्ता में रुकने के बाद में ये देखिए आप कबूतरी, और इसी का वो बच्चा था लाल जो आप कह रहे थे शाइनिंग मार रहा है। अच्छा इसी का बेटा है? हाँ वो इसी का बच्चा ही देखिए। अच्छा तो वाइब्रेशन पूरी है हर कबूतर, कोई था कबूतर पकड़े उसमें वाइब्रेशन है। और भाई ये क्या चीज़ है? ये ग्रीजल है मेरे घर की बच्ची है। ये चौथा ग्रीजल, तो दोस्तों तीसरे तीन ग्रीजल के बाद चौथा ग्रीजल भी देख लीजिए। फीमेल है मेरे घर की बच्ची है और ये बीमार हो गई थी, ये देखिए झाड़ के ऐसा में, ये देखो झाड़ के ला रही है, पर ये देखो कितना छोड़ा पड़ रही है, बहुत बढ़िया है ना, ये झाड़ के ला रही है, बीमार हो गई थी कबूतरी मेरी बच्ची, इस साल की रेस खेलेगी बहुत और बड़ी अच्छी उड़ती है। इस साल खिलाएंगे आप? हाँ ये मेरा रिंग है इसमें, ये हमारे अजब भाई की रिंग डली हुई है इसके अंदर। हाँ ये एस बी लॉफ्ट के नाम से मेरा हुआ है। अच्छा हाँ ए एस बी लॉफ्ट। अच्छा ए एस बी लॉफ्ट 8285417420 ये मेरा मोबाइल नंबर है। बहुत बढ़िया। तो ये इसमें जो आपको 333 की लाइन बच्चे दिखाता हूँ। अच्छा 333 क्या चीज़ है भाई? ये लाइन लाइन है ये भी, तो इसमें भी लाइनें बहुत सारी हैं। नहीं हाँ जो फेमस हो जाता है कबूतर उसी का नाम चलता उसके है, उसके नाम से या जो फैंसी होता है उसके नाम से ना। ये आप देखिए बिल्कुल हाथ में देखो पहले। और दोस्तों ये देखो यहाँ पर जो भाई नॉलेज दे रहे हैं ना धीरे धीरे, अब मेरे को भी समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसे अगर हाँ ये देखो ना इसके जो ये खड़े होंगे ना ये स्पीड बर्ड है। अच्छा हाँ आपने बहुत से अंग्रेजों में देखो जैसे पकड़ते हैं ना जगह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये खड़े हुए थे ना ये स्पीड बर्ड की वो है पहचान। और ये देखिए आप ये खोलने भी नहीं दे रही है मेरे को बिल्कुल। तो अब ये देखो दोस्तों कि जैसे जैसे अजय भाई ने कहा ना कि जैसे एक फैंसर जिसके पास कोई कबूतर काम अच्छा कर जाए ना तो उसके एक लाइन चल जाती है। हाँ उसके नाम तो उस कबूतर का नाम हम लोग नहीं रख पाते हैं। हाँ। जैसे हमारे बच्चों के नाम होते हैं ऐसे बाहर के लोग जो है ना इसी आकर शो करो कबूतर का मतलब नाम रखते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, हर कबूतर का आपको नाम मिलेगा, एक रिंग नंबर मिलेगा। और उसका अगर फेस देखो ना बिल्कुल स्ट्रेट आप तीर की तरह। हाँ और ये देखो ना आगे से देखो साइज देखो इसका कितना चौड़ा है और पीछे ये बिल्कुल ही खत्म है, खत्म पूरी पूरी में, लेकिन ऐसा लग रहा है दो पत्ते हैं। दो पत्ते हैं और ये इसका बैलेंस देखिए आप बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये देखिए हुमरों का शौक कर लीजिए। और इसमें अभी सुनने में आया कि आप जैसे सलमान भाई जो हमारे इस साल के चैंपियन थे उनसे भी कुछ कबूतर लाए हैं। ये खबर उड़ गई है गलती से और मैंने सलमान भाई से मना करा था कि किसी को बताने नहीं। नहीं नहीं देखो ये तो पता चलता ही है। हाँ तो दोस्तों उसका भी शौक कराता हूँ मैं आपको, जो हमारे
सलमान भाई से आए हुए हैं, तो वो सलमान भाई के पास जो कबूतर आए हुए हैं हाँ। उनसे जो लेकर आए वो कहाँ से आए थे? वो पीछे से ललित भाई के कबूतर थे। अच्छा, वो भी ललित भाई के ही हैं? हाँ, क्या जो भी है? दिल्ली में इंपोर्ट कबूतर अच्छा होगा वो कहीं ना कहीं ललित भाई से टच होगा या उसके बच्चे होंगे। हाँ, मैं उन कबूतरों को 4 साल से उनके में पीछे था जब ललित भाई ने मंगवाए थे वो बच्चे। अच्छा अच्छा, तो उस टाइम भी मैं थोड़ा सा मिस हो गया था। फिर जब ललित भाई के यहाँ से आसिफ भाई यानी सलमान भाई के जो दोस्त थे वो लेके गए थे ना, तो भी मैं थोड़ा सा मिस हो गया था। तो उसके बाद जैसे ही सलमान भाई ने मुझे पता लगी, सलमान भाई ने मुझे नहीं बताया था, जैसे ही मुझे पता लगा कि वो बर्ड सेल पे हैं, तो आपने तो मैं जब भी सारे काम छोड़ करके ना मुझे कहीं जाना था, मैं सारे काम छोड़ करके और हाथ का जब ही पहुँच गया और मैंने कहा ये मेरे हैं तो दिखाएंगे शो करा देंगे कोई बात। ठीक है ठीक है। और ये इसको क्या कहेंगे भाई? हाँ ये देखिए, ये भी ग्रीजल में आती है। अच्छा, ये भी ग्रीजल ही है? हाँ ये देखिए। तो दोस्तों 5वां ग्रीजल आपको दिखा रहे हैं कलर वाइज, हर कलर का ग्रीजल। और आंखों का शौक करिए आप, बहुत बढ़िया आंखें। ये देखिए चीजें, अब यहाँ पर देखो ये उठा के ऊपर मिल्की बार दो बोलिए, ये मिली बार। आप अगर कल आते तो आपको मैंने वीडियो दिखाई है, तीन चार मिल्की बार जो मैंने सेल करा है। अभी क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जैसे अजय भाई बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अगर कोई इम्पोर्ट है या तो उस पर ललित राय की रिंग होगी या फिर ललित राय की रिंग वाले मतलब जोड़े का ही बच्चा होगा। हाँ, जो अच्छा होता है जी। ये देखिए फेमस तो उतरी है, जितना भी कहाँ पे है थोड़ा बुरा मानेगी ये इसका वो देखिए आप स्ट्रक्चर देखिए, बॉडी कितनी भारी बॉडी है इसकी, बहुत बढ़िया। ये हाथ में नहीं रखना। अब यहाँ पर दोस्तों मैं सामने देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है शायद आपको वीडियो पर थोड़ा सा कम लगे, लेकिन भाई कोई भी चीज़ है जब तक आप हाथ में नहीं लोगे ना तब तक पता ही नहीं चलेगा। और इसका साइज़ अगर हाथ के अकॉर्डिंग देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या साइज़ है इसका। बहुत बेहतरीन फीमेल है ये भी ललित भाई की। हाँ इसमें कहने की कोई डाउट नहीं है। ये देखिए इसमें क्लब की रिंग पड़ी हुई थी हमारे, क्योंकि मैं जालों में ना कबूतरों को छेड़ता नहीं हूँ ज़्यादा कबूतर थे, अब धीरे धीरे इसलिए कम कर रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, ये क्लब की रिंग पड़ी हुई है और ये राय साहब की रिंग पड़ी हुई है इसमें। अच्छा, ये ललित भाई की रिंग। हाँ देख रहा हूँ, यानी कि इम्पोर्ट में भाई जितने भी अच्छे कबूतर हैं आपको ललित भाई के ही मिलेंगे। ललित भाई, सूरज भाई हो गए, अमित जी हो गए और हमारे प्रवीण जी हैं, यासीन भी हैं, नवीन भाई और हैं, नवीन भाई हाँ बैंगलोर वाले ना, बैंगलोर वाले उनके उनके भी मेरे पास दो बर्ड हैं, मेरे पास आए थे। अच्छा, आपको जोड़े तो दोस्तों मेरे पास भी ललित भाई के अभी नहीं है जोड़े, लेकिन हाँ मेरे पास प्रवीण जी के हैं, नवीन जी के हैं, यासीन जी के हैं और सूर्य भाई के भी हैं, मेरे पास अमित भाई के भी हैं, मेरे पास 5-6 फैंसियों के हैं। बाकी रस्तोगी जी का तो नाम खैर बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है रस्तोगी जी, जिन्होंने कभी भी मेरा हाथ नहीं रोका, जो भी चीज़ है भाई ले लो आप। अब ये देखिए एक बर्ड है दोस्तों, वो कबूतर देखो जी क्या बात है। ये साई कृष्णा सर हैं, साई कृष्णा सर। अच्छा हाँ। जो हाँ हाँ सुना है उनके बारे में भी। हाँ हाँ, उनके तो, यहाँ क्या है? उनके यहाँ का बर्ड है ये, उनके यहाँ की रिंग है और उनके यहाँ की इनकी पेटा की रिंग है। साई कृष्णा सर ये बेंगलोर से है ना? हाँ। दोस्तों उसकी क्वालिटी देखो आप, और साई कृष्णा सर का जो है ना नाम बहुत एक अच्छे लेवल पर है, बहुत इज्जत से नाम लिया जाता है इनका आगे, यानी सर लगाना आपको जरूरी है, सर लगाना वो ही पड़ेगा। वो अपना भी आदमी एक बार हाँ, एक बार चीज मिल जाएगी तो फिर कर ही लेगा, तो वो अपना भी लगाएगा। ये हमारे सलमान भाई के यहाँ से आए हैं। अच्छा, ये वाले आए जोड़े? हाँ, ये तो ये ललित भाई की है क्या भी है? हाँ आए ललित भाई के यहाँ से थे। अच्छा, लेकिन जो इसमें जो ये आपको मैंने दिखाया था ना वो पेडिग्री दिखाई थी 16 वाली, वो ये रहता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो दोस्तों ये जो है पहले ललित भाई के पास आए थे। हाँ, फिर ललित भाई के पास से यासीन जो हमारे भाई हैं आसिफ भाई उनके पास गए, उनके पास से वापस आपके पास आ गए। हाँ, ये आसिफ भाई के बाद में सलमान भाई के पास गए, वो दोनों दोस्ती हैं। अच्छा अच्छा, की छत्ते तो फिर सलमान भाई ने ले लेते कबूतर, और सलमान के बाद में फिर बहुत पानी लिखा हुआ था मैंने क्या लिखी है, मैं भी फ्री बराबर लिखा। तो ये मेल है फीमेल है? ये भाई ये फीमेल है। अच्छा अच्छा, अब ये देखिए फीमेल भी देखो क्या साइज वो है। दिख रहा है ना साइज ही दिख रहा है, कितना बड़ा साइज है इसका। देखो ये प्यार कितना करता है, वो देखो वो बुला रहा है अपनी मादरी को। देखो अच्छा, ये इसका नर है, देखो किस तरह से बुला रहा है, ये मादरी को बुला रहा है, देखो क्या बात है, ये प्यार है इनका आपस में। ये देखो तो दोस्तों ये देखिए ये होते हैं हुमर का, बहुत बढ़िया। और भी आपको मैं दिखाता हूँ, दिखाइए क्योंकि क्या है ना दोस्तों अंदर जो है ना घुसने पे 2-3 बार तो मेरे चेहरे से टकरा गए कबूतर, पंजा मार रहे हैं, पंजा जो है ना खतरनाक मारते हैं भाई। हाँ, ये आप कलर देखिए इसका, बहुत बढ़िया। मैं हाथों में लेता नहीं हूँ ना उतरों को, तो ये थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये अगर शौक देखिए मतलब ये क्वालिटी देखो आप,
उम्र के अंदर जो फेस बिल्कुल एरोडायनामिक जिसे कहते हैं ना, वो फेस होता है। और इस कलर को जैसे अगर वैसे गोले बाजू को वैसे मतलब अमीरिया कह देंगे, हाँ वैसे हम सिल्वर बोल देते हैं, सिल्वर और उमर में सिल्वर बोलेंगे, सिल्वर बार बोल देते हैं। ये देखिए ये नहीं रुकते हैं उधर हाथ में, ये झाड़ पाट पे चलने बहुत रहे हैं। क्या बात है भाई, मज़ा आ रहा भाई यहाँ पर। दोस्तों एक चीज़ है कि हाँ कबूतरों के अंदर क्या है कि यहाँ पर जिस कबूतर पर हाथ रखें उसके अंदर ही क्वालिटी है। वो देखिए दोस्तों अंडों पर बैठी हुई है। अच्छा ये पेंसिल चेक कर रहे हैं आप, देखिए सर यहाँ पर भाई का ब्रीडिंग सेटअप। लेकिन अभी ब्रीडिंग सेटअप अभी आपने थोड़ा कम कर रखा है मौसम की वजह से, दे ना मौसम की वजह से, ये गलती से जो अंडे रह गए ना। हाँ हाँ बस वही रुके हुए हैं। और एक ग्रीजल और दिखाता हूँ आपको, ये लीजिए 6 ग्रीजल हो गए आपके दोस्तों। इसी वीडियो के अंदर मैंने आपके 6 के 6 ग्रीजल दिखा दिए। अच्छा ये इसको इसको कहेंगे टाइगर ग्रीजल। ये उसी जो आपको मेल दिखाया था, हाँ हाँ। जोन सोनी लाइन का, हाँ। सेम देखिए आप, मैंने पेपर दिखाए थे, हाँ। यारे मार के भागा वो पंजा। अच्छा ये ग्रीजल है, हाँ ये देखिए। और इसकी आंखें देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। क्या बात है, मेरे यहाँ पे पूरा टाइम निकाल के ही आना पड़ेगा आपको, अगर कभी आना है। नहीं दोस्तों अभी क्या ना कि मुझे भी यार अभी शूट पे जाना है। ये देखिए ये खोलने भी देख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कितना एग्रेसिव है भाई। हाँ, तो बुरा मान जाते हैं। बहुत अभी झाड़ पे चल रहे हैं तो बुरा मान जाते हैं से। तो एक मैं और साइकिल पर का किनका, साई सर का, साई सर कहते हैं, साई कृष्णा सर। ओके ये उन्हीं के यहाँ का बच्चा है। तो दोस्तों ये नाम भी समझ लीजिए कि हाँ, नाम ब्रांड, नाम क्या ब्रांड है, ब्रांड है वो। हाँ और आदमी कुछ ही बोलते पीछे से, ये देखिए वो कबूतर, बहुत ये बच्चा है अभी 2022-23 का। ओके ये देखिए ये रुकने नहीं और एग्रेसिव बहुत है। हाँ एग्रेसिव भी, मैं हाथ नहीं लगाता, छेड़ता नहीं ना, बहुत से लोगों को आदत होती है। ये देखो ये बच्चों के हाथ में तो रुकेंगे भी, रुकेंगे भी नहीं तो मर जाएंगे, जान लगानी पड़ती है। ये देखिए बहुत बढ़िया, और उसका ज़्यादा थोड़ा पंजों का शौक कर रही है, पंजे उसके कुछ अलग ही लग रहे हैं, मतलब बहुत ही मोटे मोटे पंजे। ये इसका भी देखिए, ये अभी जो है ना ये बच्चे ही रखे हैं ना मसाले, हाँ। ये मसालों में चिकनाहट में हो गए हैं ये, बाकी ये रिंग नंबर है। और ये सर साईं कृष्ण सर जी का जो हाँ। वो है रिंग नंबर ये है, हाँ ये जो उनकी वो थी और ये उनमें ही लिखा हुआ, ये रहा ये उनके यहाँ की पर्सनल रिंग है। अच्छा दोस्तों ये अगर आप देख पा रहे हो साईं कृष्ण सर का ये पर्सनल रिंग है, इनकी पेडिग्री जो भी आपको मैंने बड़े दिखाए अभी तक 19-20, हाँ इन सबकी पेडिग्री है, मैं आपको पर्सनल शो करा दूंगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर अभी जो हाँ ये तो है, मगर ये देखिए कबूतरों का एक से एक किस्म कबूतर। अच्छा इसके बारे में बताइए भाई जरा, ये जो चांदना सा है इसको, हाँ ये चांदना हाँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये इसके अंदर दोस्तों कुछ कैटेगरी है, जिस कुछ कुछ स्पेशल कैटेगरी के अंदर आता है। ये सूरत भाई के यहाँ का है और ये कहने की बात नहीं है, एक अच्छे फैंसियर है वो, हाँ। और उनका उड़ता हुआ है और मेरे सामने की बात है, ये जो ना नाइट में ऐसे उड़ता है प्रॉपर जैसे दिन में उड़ता है। अच्छा हाँ यानी कि रात को तो साफ दिखता है, बिल्कुल साफ, ये जो ना एक प्रॉपर तरीके से उड़ लेता है। अच्छा अच्छा हाँ, और ये मैंने खुद देखा हुआ है, किसी भाई को देखना हो तो सूरत भाई के यहाँ का उड़ता हुआ कबूतर है ये। ये देखिए आप मन्नू लॉफ्ट है ना, आप बोलोगे तो वीडियो उसमें डाल दी जाएगी, मन्नू लोग दिल्ली, बहुत बढ़िया। सूरज भाई का नंबर पड़ा हुआ है, रिंग नंबर, ये नाइट राइडर बोल देता हूँ इसको। अब ये देखिए ये उनके यहीं का बच्चा घर का, बहुत बढ़िया। छोड़ना चाहते भाई इसको यहाँ पर दोस्तों, ये जो कबूतर है ना ये मतलब एक अलग ही नस्ल है जो रात को भी बिल्कुल नॉर्मली नॉर्मली उड़ लेते हैं। कितना तो यहाँ पर दोस्तों अभी ये देखो कि जगह, पहले लॉफ्ट देखो कि लॉक किस हिसाब से बना रखा है, छत बिल्कुल यहाँ पर तपिश नहीं है बिल्कुल भी, और एडजस्ट वगैरह सब लगाई हुआ है, गर्मी वगैरह सब पूरे दिन चलता है, पूरा दिन चलता है, पूरे दिन एडजस्ट भी चलता है, पंखे भी चलते हैं, जब ज़्यादा गर्मी होता है कूलर भी चलते हैं। इसमें इसमें क्लब की रिंग पड़ी हुई है RRPC की, हाँ ये राय साहब का जो है ना पर्सनल, बड़ा फेमस कबूतर है, देखिए ये भी ललित राय जी का है, हाँ ये 471 है ना। अब इसकी पूरी जानकारी जो आपको दिख रही है अभी लैपटॉप के अंदर मैं भूल जाता हूँ, तो भाई मैंने सब उसमें रखी हुई है, देखिए 2022 की। ये दोस्तों उत्तम नगर में हमारे जो क्लब है क्लब उत्तम नगर का नहीं है, क्लब है दिल्ली का, वो हमारे एडमिन जैसे आपके एडमिन वहाँ पे गाजियाबाद के है ना, ऐसी जो हमारे एडमिन है वो उत्तम नगर, उत्तम नगर के है। अच्छा हाँ। तो और ये क्लब कहाँ पर पड़ेगा फिर? ये क्लब तो मैं हूँ क्लब का, मैं सिक्योरिटी मैनेजर, तो मैं सिलमपुर में रहता हूँ,
और सूरज भाई चौथे बुस्ते पे रहते हैं, वो भी क्या नाम है हमारे मेंटोर हैं, वो क्लब में ही है। और ललित राय की देखो रिंग पड़ी हुई है, और ये इम्पोर्ट लाइन की कबूतरी है, ये देखिए माय गॉड, उसका चेहरा देखो ऐसा गुस्से में देख रही है, फीमेल है और बड़ी प्यारी फीमेल है भाई, मुझे पसंद है ये बहुत ना, राय साहब की फीमेल है। और इसकी बॉडी एक्सरसाइज अभी नाराज है, अभी थोड़ी इसने दुम नीचे कर ली है, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी, बहुत फीमेल अच्छी है। फेस ही तो दोस्तों पता है क्या, एक चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पर जितने भी ललित राय जी यानी ललित भाई का जिसपे भी रिंग पे नाम है भाई, वो कबूतर अलग ही नजर आ रहा है। और ये जो जोड़ा है वो ये वहाँ सलमान भाई से आया हुआ है, ललित भाई के से है ना, और वो जो तो कोने में वो क्यों बैठे हुए हैं, वो भी जगह अच्छा परेशान है, और ये कुछ बच्चे निकले हुए हैं, ये देखो इसका शो कराता हूँ आपको, मेल का या फीमेल का, बैठो बैठो बैठ के कराते हैं, बैठो चलो बैठ जाते हैं, बैठ जाओ आज थोड़ी चीज टाइट है मुझे पता है। तो ये भी कहाँ से आया भाई, ये अभी क्या नाम हमारे उनके यहाँ से आया हुआ है, सलमान भाई से। अच्छा सलमान भाई से है, हाँ इसमें रिंग पड़ी हुई है, ये इन आयन की रिंग पड़ी हुई है इसमें, ठीक है जी ये। और इसमें दूसरी रिंग में देखिए आप अगर दिख जाए तो आपको, ये देखिए साई कृष्णा लिखा हुआ, साई कृष्णा सर, हाँ ये उनका मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये फीमेल है और अच्छी फीमेल है, यानी कि दोस्तों तो नाम अगर रिंग इस पे पड़ा हुआ ना तो बस सब सोच लो कि वो चीज ही होगी, कुछ बहुत बढ़िया। और वो नर है, हाँ ये वो इसी का नर दिखाना जरा, नर की आंखें बहुत प्यारी लग रही है भाई। आप दोस्तों अब देखो जरा कि चीज क्या होती है, और हुमर के अंदर जो आंखें है ना भाई, ये देखो ये होती है आंखें, देखो जरा क्या बात है दोस्तों। यहाँ पर अभी आप आंखें नहीं देख पा रहे, इसके लिए मैं लेंस से लगा के करूंगा, हाँ लेंस आता है इनका, बाकी अगर आप देखना चाहो थोड़ा धूप में चलते मेरे हैं। उसमें बैग में लेंस पड़ा है, ला के दे देना, थोड़ा धूप में चल देता है तो थोड़ा धूप में दिख जाएगी इसके आगे ना, एक मिनट अब इसके आँख वो शो कर लो दोस्तों, देख रहे हैं आप। अभी जो नए हमारे जो हुमर पाल रहे हैं उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये आंखें भाई साहब इतनी खतरनाक है ना, बहुत ही ज्यादा अपनी तरफ खींचते हैं आगे, हाँ खींच नहीं है अब ये क्या बात है, बिल्कुल साल ये देखिए खड़े कर लेना, स्पीड इसमें थोड़ी सी स्पीड भी है, और ये सलमान भाई कहाँ से आया तो कैच है, वरना मैं कैच का उतर रखता नहीं ना, मैं से परिंद ही अपना परिंद हो जाएगा। चलो इनको अंदर छोड़ो भाई, धूप हो रही है बाहर। दोस्तों फोन भी इतना गर्म हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, ये लो भाई ये मेरी तरफ से ले लो आप गिफ्ट, कभी आपको देखना हो। इसमें ऐसे नहीं दिखेगा, इसमें ऐसे नहीं दिखेगा दोस्तों, लेकिन चीज है ये देखिए, मैं इसका शौक करता हूँ आपको, बिल्कुल सिंगल टेल का उतर है भाई, नाम ही काफी है, जब नाम इस पे जुड़ा हुआ है तो वो तो खतरनाक है ही, और उनके भी पसंद का उतर है। बहुत बहुत ही एग्रेसिव, बहुत बेहतरीन कबूतर दोस्तों, ये भी कबूतर है भाई, थोड़ा उसको डिस्टर्ब होगा, मैं सर बैठा के छोड़ देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ तो जो सा कबूतर आप पकड़ोगे ना वही आपको कुछ हटके ही दिखेगा, काफ़ी यूनिक कबूतर, काफ़ी अच्छे कबूतर है, बट क्या है कि थोड़ा सा टाइम मेरे पास भी अब थोड़ा शॉर्ट है, क्योंकि मुझे भी अब शूट के लिए निकलना है करोलबाग, तो वहाँ से हम आएंगे फिर देखेंगे, ये जो बस थोड़े से ऊपर ऊपर है वो ऊपर के फिर हम वीडियो में बनाएंगे। तो दोस्तों अभी क्या है कि लेट हो रहे हैं, अच्छा भाई को भी कहीं जाना है, मुझे भी निकलना है, और यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि मुझे एक जोड़ा लेने के लिए आया हूँ, तो वो जोड़ा कैसा होगा वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन है भाई आप सवाल करो, जवाब मैं ढूंढूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अरे भाई आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और ठीक है अच्छी चीज़ दिखाई आपने, नहीं अच्छी जानकारी दी, लेकिन मैं आपको फिर एक बार परेशान करूँगा,
क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ मैं मुझे थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम की वजह से जाना पड़ा, वरना मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। आके ना, और इसके जो हमारे जो भाई के ऊपर भी कबूतर रखे हुए हैं वाले मेन कबूतर, वो भी दिखाए जाएंगे जो रेस खेलते हैं। खेले हुए चैंपियन कबूतर है 2022 में, सॉरी 23 में, इस साल में रेस नहीं खेल पाए क्योंकि मेरे कबूतर बीमार हो गए। क्योंकि मैं नहीं चाहता ना बीमार कबूतर, मान लो मेरे कबूतर बीमार हो गए बोले हुए थे, अब साथ में आपके भी जा रहे हैं। अब वो किसी को यार मेरे कबूतर चक्कर में आपके कबूतर नुकसान हो, मैं ये नहीं चाहता, इसलिए भाई मैंने नहीं छोड़े थे। और उससे पहले साल में जो है क्या नाम है, हम पंजाब से हमने छोड़े थे समथिंग 300 कुछ किलोमीटर था। यासीन अहमद वाले भी थे, हाँ यासीन भाई भी थे, रस्तोगी हमारे फर्स्ट आए थे उसमें, मैं सेकेंड आया था। वो फीमेल के ऊपर है और उसके बच्चे के ऊपर है, मैं आपको दिखाऊंगा वो अगली बार। तो अगली बार दोस्तों देखेंगे। और कैसी लगी वीडियो भाई, लाइक करो, कमेंट जरूर करा करो, सब्सक्राइब करो या मत करो। हाँ मैं जरूर ये कहना चाहूँगा भाई, इन भाई की वीडियो जरूर देखें, कि ये जो ना आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आकर के, कि आप लोग कहीं गलत जगह ना फंसो, आपको पहचान रहे। और जो भी नए आदमी आए जैसे भी, तो उनके जो सवाल हैं वो हाँ आप बस वही है, मैं ये कहता हूँ सवाल आप जरूर करते रहो, ठीक है ना। हाँ तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगती है तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, और भाई अगर फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़े, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए भाई पहचान लीजिए, नमस्कार दोस्तों। हाँ हम आ गए हैं अजय भाई के पास से, और एक ये जोड़ा लेकर आए हैं। हमने कहा भाई हमारे पास विशाल भाई ने इतनी इसकी क्यूरियोसिटी बना रखी है ना इस जोड़ों की, तो मैंने कहा एक जोड़ा हम भी रखेंगे, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है ये जोड़ा। ये फीमेल है, ठीक है। अब वहाँ पर तो तीन फीमेल थी, तो जो मुझे ठीक लगी मैंने वो ले ली, ठीक है, क्योंकि तो काफ़ी अच्छे फैंसियर की है ये कबूतरी। तो फिर मैंने कहा यही लेते हैं, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे अभी अजय भाई ने बताया ना, रिंग का भी बहुत फर्क पड़ता है। अब मुझे इससे थोड़ा डार्क कलर की थी, बट मैंने इसका जो मेल है ना बहुत खूबसूरत है, और इस मेल के हिसाब से मैंने लिया, क्योंकि इससे जो डार्क कलर था वो नहीं लिया मैंने थोड़ा सा लाइट ही कलर लिया है, ताकि बच्चे जितने हो सके मिल्की ही निकले। तो ये नर और वो मादिन, अब इसको हम जोड़े में लगाएंगे, और अजय भाई के पास से कुछ केजेस पड़े हुए हैं तो वो लेकर आकर उसको भी पेंट वगैरह करके उसका भी एक सेटअप बनाऊँ, कि अगर आप केज में ब्रीडिंग कराना चाहते हो तो आपको कितना बड़ा केज चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए उनके, उसके ऊपर फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। बाकी इसका शौक कर लीजिए आप, मेरी बात बहुत अच्छा खूबसूरत, ठीक है, शौक में जो चीज़ थी। हाँ चलिए दोस्तों।